हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में जाना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से शुरू हुआ और टाउन्स, कंट्रीसाइड और ट्राइबल्स के बीच ये कैसे फैला, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लांटेशन में इस मूवमेंट का क्या इफेक्ट दिखाई पड़ता है। प्लांटेशन यानी कि बगानों के वर्कर्स ने इसे किस तरीके से समझा। सबसे पहले हम प्लांटेशन का मतलब जानते हैं। देखिए, प्लांटेशन वह बड़ा एरिया होता है जहाँ बहुत सारे वर्कर्स अपने अपने गांव घरों को छोड़कर यहाँ काम करते हैं और प्लांट्स उगाते हैं, और इन्हीं को हम प्लांटेशन वर्कर कहते हैं। असम में इन वर्कर्स को जहाँ पर वह काम करते थे वहाँ पर इन्हें बंद रखा जाता था, इसलिए इन लोगों के लिए आज़ादी का मतलब था कि अपने गाँव जाना, अपने घर जाकर अपने रिलेटिव से मिलना। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अनुसार प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन छोड़कर बाहर जाने की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी। जब इन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो इन्होंने अपने प्लांटेशन छोड़कर अपने घर गांव चल दिए, क्योंकि इन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है और अब हर किसी को गाँव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन रेलवे और स्टीमरों की स्ट्राइक के कारण ये लोग रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने इनको पकड़ लिया। इन सभी मूवमेंट्स ने स्वराज का मतलब अपने अपने ढंग से ही निकाला। उन्हें लगता था कि इससे उनकी सभी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अपने मूवमेंट को कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जोड़कर जब वे देखते थे तो एक ऐसे मूवमेंट का पार्ट बन जाते जो सिर्फ एक एरिया तक ही सीमित नहीं था। गोरखपुर में चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लेने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह मूवमेंट वॉयलेंट में बदलता जा रहा है। उनका मानना था कि सत्याग्रहियों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है।